साल 2018 में मिर्जापुर नाम की एक वेब सीरीज आई थी। वेब सीरीज में गैंगस्टर और उसके आतंक की कहानी को दिखाया गया था, कैसे किसी को भी गोली मार देना, किसी के साथ भी लूट की वारदात को अंजाम दे देना, ये सब वेब सीरीज की कहानी का हिस्सा था। वो वेब सीरीज थी, लेकिन असल में भी मिर्जापुर के हाल बेहाल हैं। कानून व्यवस्था के नाम पर पूरे देश में वाहवाही लूटने वाले उत्तर प्रदेश के हुक्मरानों को मिर्जापुर की ये तस्वीर जरूर देखनी चाहिए, जहां चार लुटेरे पुलिस और सरकार के खौफ से बेखौफ ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। देखकर लग रहा है कि किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है। कुछ हथियारबंद लुटेरे आते हैं, एटीएम में कैश डालने वाले गार्डों को गोली मारते हैं और 35 लाख कैश लूट कर फरार हो जाते हैं। इस वारदात ने न सिर्फ इलाके में सनसनी फैला दी है, बल्कि कानून के राज का दावा करने वाली यूपी पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। पहले तो ऐसी घटना हुई, उसके बाद वारदात को एक हफ्ते होने वाले हैं और पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। ये वारदात 12 सितंबर की है, जहां जिले के कटरा कोतवाली क्षेत्र के बेलतर में एक्सिस बैंक के सामने 12:45 पर कैश वैन से पैसा निकालते वक्त लूट की वारदात हो जाती है। दो बाइक पर आए चार बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और तीन गार्डों को गोली लगी, जिसमें एक की मौत हो गई, बल्कि दो का इलाज अस्पताल में चल रहा है। वारदात ने पुलिस और कानून के इकबाल पर सवाल उठाए, तो बदमाशों को पकड़ने के लिए 36 टीमें लगा दी गईं। अब तक पुलिस टीम 5000 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाल चुकी है। एडीजी वाराणसी खुद लगातार घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एसटीएफ लखनऊ से तेज तर्रार पुलिस कर्मियों को घटना के खुलासे के लिए बुलाया गया है। आसपास के कई जिलों में पुलिस दबिश दे रही है। बदमाशों की जानकारी देने वाले को लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा भी कर दी गई। 34 संदिग्धों को पुलिस ने पूछताछ के लिए भी उठाया, लेकिन चार बदमाशों में से एक भी पुलिस के हाथ नहीं लग पाया। जब पहली गोली की आवाज़ सुना तो जो है मैं सोचा कि बुलेट बुला होगा, जो है डल्फिन जो साइलेंसर लगता है, लेकिन दूसरी की इतने में आवाज़ आई तो मैं तुरंत बोला कि गोली चल रही है। जो है कि यहाँ पे एक लोग बैठे थे, तुरंत हम बाहर निकले, देख रहे तो वहाँ पर फायरिंग चालू है। तो ऐसा क्या बदमाश भाग भाग रहे थे या नहीं? बदमाश उधर से गोली मारे, ये देख रहे तब तक हम भी नीचे उतरे, चौतरे के नीचे जो है कि और सब भीड़ है, इधर बाजू में गली जो है उधर सब भाग रहे थे। आप व्यापारी हैं, क्या आपके मन में भी घटना के बाद से क्या डर है क्या? ये तो पूरा डर है, अब तो ये हो गया कि पता नहीं कब बैठे हैं, कब क्या हो जाए, एकदम भय सवार है। तब से जो है कि जिस दिन से घटना घटी उस दिन तो कांपने लगा था एकदम। पूर्वांचल के अलग अलग कई जिलों में कैश वैन लूट की घटनाएं लगातार सामने आती रहती हैं, जहां बेखौफ बदमाश ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं। फिलहाल पुलिस लगातार लुटेरों की तलाश में जुटी है। देखना ये होगा कि आखिर अभी और कितना समय आरोपियों को गिरफ्तार करने में लगने वाला है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।